अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड आफ्टरनून। दिस इज शेफ साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। सो होपफुली गाइज आप सब ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक का महीना जो है आपका भी खूबसूरती से गुजर रहा होगा। तो आपको बताऊँ तो भाई सुबह सुबह इतना ही बादल था यार, ऐसा लग रहा था भाई बड़ी बारिश होने वाली है। और जैसे ही भाई मतलब बादल बुदल बनते हैं, लोग रोज़ा रख लेते हैं, उसके बाद क्या इंतहा की गर्मी होती है। ओए होए होए, बाकी गर्मी सही पे बोल रहा है। अनस भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े दिनों के बाद जो है ना अनस भी व्लॉग में आ गए। तो फिर मतलब ऐसे ही होता है ना, ज़्यादा लोग क्या करते हैं ऐसे रोज़ा रख लेते हैं और टाइम पास जब 12-1 बजता है, जब धूप निकलती है, ओए होए होए, तब कहते हैं यार आज तो फंस गए हैं, है ना। सही बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब सारे रोज़े रख रहे हैं तो बंदे को ना रूटीन बन जाती है, आदत हो जाती है। बिल्कुल, तो फिर जो है ना इतना फील नहीं होता। अब गर्मी में भी मतलब इतना फील नहीं होता। नहीं हो रहा। तो खैर भाई इस बार रोजे आए हैं वो सर्दियों में आए हैं, तो इस वजह से भी इंशाल्लाह अगली बार जो है ना और सर्दियों में माशाल्लाह। तो खैर गाइज आज का जो व्लॉग है बहुत ही जो है ना मतलब इम्पोर्टेंट व्लॉग है। वो किस लिहाज से, क्योंकि भाई आपको पता है कि हमारे इलाके में चोरों का जो ग्रोह है वो बहुत ही सरगर्म हो गया है, और उनकी वजह से जो है ना पुलिस भी है वो भी नाकाम है उनको पकड़ने के लिए, और दिन दहाड़े जो है ना लोगों को लूट लिया जाता है। उसके साथ साथ आपको पता है जैसे जैसे मतलब लोग बिजली के बिलों से तंग आए, उन्होंने क्या किया भाई, अपना सोलर सिस्टम जो प्लांट्स हैं वो लगाने शुरू कर दिए। अब सोलर सिस्टम लगे ही हैं तो भाई फिर चोरों का तो फिर और मौजें लग गई। क्यों जी? और एक दो ये दो वीक में 3-4 चोरियां हो चुकी हैं, 3-4 का भाई साहब बहुत ज़्यादा जो है ना ये मामलात चलना शुरू हो गए हैं। तो भाई साहब ये पाकिस्तान के जो पंजाब है पुरसकून इलाका है, लेकिन खुदारा इसको जो है ना कराची ना बनाओ के भाई, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। वही कह रहा हूँ, कराची ना इसको बनाओ के भाई, दिन दहाड़ आपको मतलब खुद की हिफाजत ही ना कर सको यार कि आपको लूट लिया जाए। अभी पिछले दिनों का वाक्य है, सुबह सुबह कोई ना 8 बजे टीचर जा रहे थे स्कूल के लिए, भाई उनको लूट लिया गया है। माय गॉड, वो तो वाकई बड़ा गमगीन। तो उसके साथ साथ पिछले व्लॉग में आपने एंड पे देखा होगा भाई, जो है ना वो सोलर प्लेट्स की वायर को चोरी करके चोर ले गए थे। फिर उन्होंने जो है ना खोजी कुत्ते बुलवाए, खोजी मतलब डॉग आर्मी कह लो आप। वो क्या करते हैं मतलब जिस जिस जगह पे चोर गुजर के जाते हैं ना, तो वो सारा उनके पीछे 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 चलते चलते वो 5-6 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। तो वहाँ पे जाके ना मतलब चोर के घर में उन्होंने जाके मतलब पकड़ और लिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी वारदात, मतलब ये आसान काम नहीं है, ये बड़े मतलब के तरीके से उन्होंने ये सिस्टम लगाया है। हाँ भाई ऐसे ही यार, आपको बताऊँ तो एक रात में 3 जगहों पे सोलर प्लेट्स लगी हुई थी। और आपको पता है ये खेतों में ना सोलर प्लेट्स लगाई जाती हैं ताकि जो है ना वो फसलों को पानी आसानी से लगा सकें। बिजली का बिल तो भाई 1-1.5 लाख इनको आता है, वो पे ही नहीं कर सकते। तो खैर ये आप देखिए यहाँ पे लगी हुई थी सोलर प्लेट्स, और यहाँ पे जो है ना चोरों ने क्या काम दिखाया भाई, वो यहाँ से जो वायर्स थी ना इसकी वो ही उतार के ले गए। तो इसके खाली जो है ना पाइप वगैरह पड़े हैं, चेक करो। मतलब क्या यार, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, आप ये देखें, मतलब ये मोटर है ठीक है यहाँ पे, और इसके सामने इधर सोलर प्लेट्स लगाई इन्होंने ताकि भाई इनको जो है ना वो बिल ना देना पड़े, अपना सिस्टम चला रही है, चलो सुकून हो गया। अब उनको ये सुकून नहीं है कि भाई हमारी जो है ना सोलर प्लेट्स कोई उतार के ना ले जाए, तो ऐसा ही हुआ है। तो अभी आपको दिखाता हूँ वायर कैसे लेके गए। अनस वहाँ पर पहुँच गया, ये गई तार है, ये आप वायर चेक कर सकते हो ठीक है। यहाँ से इन्होंने काटी है, और काटने के बाद भाई साहब आप देखो वो मतलब ले गए, और ये पाइप थे जिसके ऊपर जो है ना तार के ऊपर जो है ना ये वायर के ऊपर पाइप इन्होंने डाले हुए थे, और वहाँ तक ये मतलब अब देखो पाइप ही करले पड़े रह गए हैं, बाकी सामान वो ले गए। तो इसी तरह वो वहाँ तक मतलब यार कोई 25-30 हज़ार की वायर थी इनकी, वो ले गए। मुझे समझ नहीं आता इतना ये आसान काम नहीं है जैसे वो लेके गए हैं। तो इस साइड से भी भाई साहब जो है ना वो तार उतार के ले गए हैं, ज़रा चेक करो वहाँ पर जाके दिखाओ ज़रा। ये देखो भाई साहब ये देखो, माशाल्लाह बड़ी महंगी ये तार आती है, और पता नहीं किस तरीके से वो लेके गए हैं, इतनी क्यों छोड़ गए थे भाई ये समझ नहीं आ रहा। ये उन्होंने छोड़ी है, चलो दोबारा वो लगाएंगे ना फिर ले जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। ये भी हो सकता है। तो आपको बताऊँ तो भाई ये सोलर प्लेट्स हैं, और इनकी वायर जो है ना बहुत महंगी आती है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। तो वो सारा सिस्टम जो है ना इन्होंने सेट लगाया हुआ था, और अपनी फसलों को इसी से पानी लगाते थे। अब बेचारों के ये देखो ना खाली करके रखा हुआ है, मतलब उन्होंने तैयारी शारी की थी पानी लगाने की, अब नाकाम। फर्स्ट टाइम शायद करने लगे? नहीं नहीं, पहले काफी दिनों ही चल रही है, लगा लिया था पहले। हाँ पानी लगाते रहे हैं, तो काफी दिनों का ये सिस्टम चला हुआ था। ऐसे हुआ कि ये पता चल गया था। हाँ ऐसे ही है भाई, मुझे तो लगता है कि इनके इधर करीबी हैं जो
यार ये कोई आम बंदे का काम नहीं, पूरी गैंग है, पूरा ग्रो है, पूरे मतलब तीन चार जगहों पे नजदीक नजदीक ऐसे ना सोलर प्लेट्स के प्लांट लगे हैं, तो वहाँ से किसी का इन्वर्टर उतार के ले गए किसी की प्लेट्स। तो भाई हमारी जो है ना DSP कसूर और पंजाब आज ही पंजाब साहब से ये रिक्वेस्ट है, खुदारा जो है ना अपने मतलब महकमे को थोड़ा सा वॉर्न करें, थोड़ा एक्टिव करें भाई, दिन दहाड़ ये काम शुरू होना शुरू हो गया है तो क्या बनेगा यार, ये भी कराची बनने वाला है तो फिर यार मजदूर लोग हैं यार, जिम्मेदार लोग इतना मेहनत करके मतलब जो सेविंग होती है वो फिर वहीं पे लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके साथ ये सिस्टम हो रहा है। बहुत बुरा मजे की बात आपको बताऊं भाई, ये सुबह अजानों के वक्त जो है ना वो चोरी हुई, अस्तगफिरुल्लाह। और देखो उस जिसने चोरी की है उसका पता नहीं अगले जान जा क्या बनेगा, मतलब भाई यार जिसने चोरी की वो तो ये सोचता ही नहीं ना, टाइम काट लिए वो तो मतलब बर्बाद है वो। तो ये आया इनकी प्लेट्स थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हूं। सो गाइस इस बच्चे को पता है कितने की वायर थी, ये इनकी प्लेट्स ही हैं, तो कितने को दी वायर है ऐसी? 2500 का बंडल। 2500 का बंडल था जो उतार के ले गए, पूरा बंडल लगा हुआ था इधर? हाँ। अच्छा तो भाई साहब चेक करें, 2800 है ना साहब, उन्होंने मतलब मेरा तो कसम से दिल कर रहा है इधर सर डुबा के मैं ना यार, यही बात यार 2800 बड़ी बड़ी रकम है, तो 2800 की तीन चार जगह पे उन्होंने उतारी है। अल्लाह इनका मैं क्या कहूँ, भलाई करे, रोजे हैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन खुदारा कौम को सुधार ले। हाँ बेशक अल्लाह तला की जो है ना, ये काम नहीं सही है। ऐसे ही है बात के ऐसे किसी चोर की हिम्मत नहीं है भाई, ऐवे जाके यार इतनी 30-25,000 की जो है ना वो वायर उतार के ले जाए यार, और एक जगह से नहीं दो तीन जगहों से ले जाए। तो और भी हमारे इधर के हैं उनसे बात करते हैं। सो गाइस इनकी जो है ना यहाँ पे सोलर प्लेट थी। हाँ जी जनाब, यहाँ पे ना वो मुझे बता रहा था कि 1.5 लाख का इन्वर्टर है भाई साहब, 1.5 लाख का। 1.5 लाख से भाई, भाई यार मोहित तो इनकी जिंदगी तो ये जी रहे हैं या फिर किफल जी गया, लेकिन कुछ बनेगा नहीं इनका नहीं ये हाँ ये नहीं कुछ नहीं बनता इनका, पैसों से कुछ नहीं बनेगा। तो खैर बाकी की जो मोटरें हैं ना मतलब सोलर प्लांट्स है वहाँ पे भी विजिट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। ये हमारे चाचा जी हैं जिनकी जो है ना ये मोटर लगी, इनका नुकसान हुआ है किसी गम में बेचारे जो है मकई की फसल है उसको जो है बेच रहे हैं, तो कितना को नुकसान हो गया चाचा अपना? नुकसान हो गया कुत्ती 35,000 दा। अच्छा की लाख लाके गए? तार ही लगाए ने की, मतलब ऐसे मैं सुने बंदा भी सुन रहा है फिर भी लाख लाके गए? फिर भी लाते ले गए ने, ऐसी ओदो कणियां आईयां ने तो तंबू हो जाए हो गए। अच्छा पता ही नहीं चला? पता ही नहीं लगा। और भी मैं सुने दो दिन मोटरां तो लाके लाके गए? हां इथे जैतीएल दे नाल हैगे ने, वो चार बंदे उत्ते पए सी उहनां दी, फिर भी वो पट लगाए ने, पर म्यूआं दी हैगा सी जैतीएल दे नाल ही उहनां दी जेड़ा वो भी ਬੰਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੋ ਲੈ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਪੱਟ ਤੇ ਲੈ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਪੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੱਟ ਤੇ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁੱਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਖੋਜਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਾਜਕੋਟ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਖੁਰਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ? ਮਾਮਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਰੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਾਈਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ यहाँ पे भर रहे हैं, इसको लेके जाएंगे। की रेट चल रहा जी मक्की का? दसा जी भाई बुफारी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल है? ठीक हो? सर मक्की का रेट की चल रहा है? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੇ ਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਹੌਲੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਜ ਜਾਂਦੀ ਮਕਈ? ਇਹ ਮਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਾਪੜ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੜਕੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਈਸ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ ਮੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 2500-3000 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਬਾਅਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, 1000-1500 ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਈ 2200-2500। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1600-1700-1800-1800 ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜੇ ਮਕਈ ਦਾ ਮੁਹਾੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਮੇਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਨਕੋ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ, ਔਰ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, 3-4 ਲੱਖ ਖਤੋ ਹੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਗਾੜ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਸ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ 4-5 ਦਿਨ ਖੋਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 60,000 ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਖੁਰਾ ਪਾਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਪਾਵਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਾਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕਾ ਯੇ ਇਨਵਰਟਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਮੋਟਰ ਦੇਖੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਯੇ ਦੇਖੇ ਅਭੀ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨਇਆ ਹੀ ਪੜਾ ਇਸ ਕਾ ਨਾ ਸਰ ਔਰ ਯੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਸੁਨਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਅਬ ਇਨਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਬ ਉਹਨੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਥਾ ਵਰਕ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਣਕ ਕਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕਣੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਤਾ ਗਰਮੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੰਦਾ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਔਰ ਯੇ ਪਲੇਟਸ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨਵਰਟਰ ਥਾ ਇਸਕੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਯਾਰ ਅਨਸ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਧੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਯੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਯੇ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਯੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰ ਦੇਖੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰ ਜੀ ਇਹ ਵਾਇਰ ਆਪ ਪੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਨਵਰਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਏ ਹਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਧਰ ਇਨਵਰਟਰ ਉਤਰਾ ਉਧਰ ਤਾਰੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਤਰ ਗਈ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਲੋਗੋ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ लेकिन बेचारे बेसकून हो गए फिर से यार वो बता रहे कि यहाँ पे बंदा भी सोया हुआ था उनके पास से उतार के ले गए मतलब यार मेरे ख्याल में आवाज नहीं आई जो जब ये तारे ये इन्वर्टर वगैरह उतर रहा था नहीं तो आवाज क्या आनी बस कट गया और चलो जी ले गए अभी ये यार रात को आवाज ये तो है यार बड़ी वैसे चोर फिर चोर को चोर भाई चोर को चोर कौन कहेगा यार फिर जब इतनी उन्होंने सफाई नहीं दिखानी आवाज भी होता है यार आवाज थोड़ी सी मतलब यार सोया तो पता चल जाता है कुछ कोई आ रहा है यार यार वैसे एक बात है वैसे एक बार बंदा सो जाए ना उसको फिर पता नहीं चलता नींद इतनी गहरी आती है तो खैर यार बहुत नुकसान हो रहा है तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई इन चोरियों को जो है ना अभी से काबू डाला जाए ताकि जो है बाकी के लोग हैं वो महफूज हो सकें और पाकिस्तानी पंजाब पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा जो है ना इनको मतलब लगाम डाली जाए क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है आप जो कुछ करेंगे तो ही जो है ना वो ये लोग रुक सकते हैं अदरवाइज़ जो भाई आज को इन्वर्टर उतार के ले गए कल को भाई उन्होंने पूरी प्लेट्स उतार के ले जानी ये भी हो सकता है कोई पता नहीं ये भी हो सकता है और दूसरी बात ये कि भाई ये बिजली से तंग आके ये तेल वगैरह के खर्चे से तंग आकर ये सहूलत आई है हाँ। और अब ये लोग डरेंगे क्योंकि ये उतर रही हैं कि लोग लगाए ही ना ये बात आपकी लाख रुपए बात है वाकई वाकई ऐसे ही है ये करना चाहिए पंजाब पुलिस को और मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि इसके बारे में थोड़ा सा सोच ले और किसानों की जिंदगी बच जाए ऐसे ही यार किसान पहले जो है ना वो दो चार हैं आपने देखा ना पीछे वो मक्की की फसल वो मतलब बेच रहे थे तो उन्होंने देखा भाई साहब वो तो मुझे वो बड़े इमोशनल लग रहे थे वो मतलब वो कह रहे थे उसका रेट ही नहीं है बहुत ही जो पैसे हमने तो किसानों को कुछ नहीं बनता ऐसे ही है और अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे जो वर्क करते हैं बाकी गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में जरा सोचे तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं ये देखिए तो ये अनस लोगों की है और अगला नंबर इनका है ऐसे अनस एक बात है पाकिस्तान के पंजाब की जो अब हमारे इलाके की जो इतनी जरहेज़ ज़मीन है उसकी ये कलोनियां नहीं बनानी चाहिए यार ये देखो यार गाइस मतलब जरहेज़ ज़मीन को जो है ना वो कलोनियां बनाई जा रहे हैं ज़मीन तो सोना होती है सोने को हम ख़त्म कर रहे हैं ये एक दिन इन्होंने पछताना है खाने पीने को कुछ नहीं मिलना ये तो खा जाना है ये पैसा आएगा और खा जाएंगे बाद में ये फिर वैसे की वैसे वही ना एक दिन गंदम नहीं खाने को मिलेगी इनको दूसरी बात ये भाई छोटे छोटे बच्चे गर्मी में चेक करो वो बड़ा बच्चा है पतंग उड़ा रहा है तो ये इस तरह के घर भी होते हैं यहाँ पे कच्चे मिट्टी का बना हुआ है तो और आपने ये बाकी मोटर की ये देखें यहाँ पे ये लगी हुई है ना जो सोलर प्लेट्स वो अनस लोगों की हैं तो भाई साहब अगला नंबर आपका फिर है अल्लाह माफ़ करे सोहेब भाई तैयारी रखो बस अपनी यार एक बात है वहाँ पे कोई बंदा सोता है हाँ बंदा सोता है उसको यार कोई पिस्टल लेके दो यार कोई भी नजदीक आए ना उसको उठा दूर से कैमरे लगा दिए हमने उधर अच्छा हाँ, कैमरे भी लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वाह यार दिखाएं आ चले देखते हैं फिर हैं वो जाएंगे हम वाह यार कैमरे की सूरत भी रखी है मैंने क्या तो बात है तो भाई ये चेक करो छोटा सा बच्चा पतंग उड़ा रहा है ये देखो जरा
कहाँ गई, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही भाई। ये है, ये है, ये है भाई, ये नीचे आ रही है। ये मेरी बात सुनो यार, इधर आओ यार। ये क्या बच्चों वाला काम कर रहे हो आप हैं? तो गाइस आपने देखा भाई किस तरह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का, ज़िम्मेदारों का। तो भाई इस तरह का जो नुकसान है ना, वो मतलब एक एक रुपया बेचारे पता नहीं किस तरह से सेविंग करके फिर वो अपना बिल से तंग आके इस काम को जो है ना सेटअप को बनाया। लेकिन भाई चोरों का क्या बंदा कहे, वो उन्होंने फिर भी जो है ना उनको सुकून राहत जो है ना वो नसीब होने नहीं दी। क्योंकि भाई पहले वो बिल से तंग थे, चलो अब उन्होंने कहा हमने सोलर लगा लिया बिल नहीं आएगा, एटलीस्ट सुकून होगा। भाई उनकी किस्मत में कोई सुकून नहीं है, उनका भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आपने देखा इन्वर्टर 60-70 हज़ार का, फिर उसकी वायर्स उतार के ले गए। तो एक रात में उन्होंने इतनी वायर्स उतारी हैं, तो भाई साहब चेक करें ज़रा, आप होशियारी चेक करें भाई। कुछ भी नहीं हो सकता यार इनका, जब तक पुलिस जो है ना वो दिल से ठान ना ले भाई कि हमने इनका खात्मा करना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारे बच्चे देखो मुझे कैसे देख रहे हैं। तो खैर जो है ना, अब मेरी आईजी पंजाब साहब से, डीएसपी साहब से, डीपीओ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा जो है ना इस पर काबू पाया जाए। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।